فلهم. يا اسے تم سنبھالو. اب بتاؤ تم اس لوہے کے گن کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے مارنا چاہتے ہو نا تم؟ مار دو مجھے، مار دو. لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور مور اور جیان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مزے سے زندگی جی رہا ہے. وہ مزے سے زندگی جی رہا ہے. تم جاؤ، محنت کی روٹی، محنت کی روٹی، محنت کی روٹی. جولائے بھوک کا ٹیکس کم کرنے کے لیے ہم لوگ مالک وان ڈی ایکس سے بات کرنا چاہتے ہیں، سمانتی ٹیکس کے لیے، اور کارخانے پہ کام کرنے والے سبھی مزدور، بچے، عورتوں کی تنخواہ بڑھائی جائے. ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو. آیا मैट, मैट, देखो, मैट मेरी तरफ देखो, मैट तुम ठीक हो ना? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो ना? इन सब से दूर चले जाओ. नहीं, चली जाओ, चली जाओ. नहीं, नहीं, नहीं. मिलान, छोड़ो, उठो. मैट, छोड़ो. میرا بیٹا تمہارے سہارے مجھے چھوڑ کر چلا گیا. میٹس کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب آسان نہیں ہے. کیسا آئیڈیا؟ تمہارا فیوچر ٹیکسس میں تمہارا 30 ہیکٹیئر کا پلاٹ ہے. وہ لوگ شہر کے ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں. برسلاؤ کے کورٹ سے وارنٹ ایشو ہوا ہے. تم یہاں سے چلے جاؤ. چلو اٹھو. جاؤ جاؤ. دروازہ کھولو. خیال رکھ تم ادھر جاؤ. دروازہ کھولو. کہاں ہے وہ؟ کون؟ چاروں طرف ڈھونڈو. دیکھو ملا کیا؟ بچ کے جانے نہ پائے. میری پیاری میلا، جب تک تم اس لیٹر کو پڑھ رہی ہوگی تب تک میں مر چکا ہوں گا. یہ وہ جنگ ہے جسے ہم جیت نہیں سکتے، اس دیش میں تو بالکل نہیں، جس دیش میں لوگوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے اور انہیں رونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تم خود کو اس چیز کی ذمہ دار مت ٹھہرانا. میری یہ آخری اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ٹیکسس چلی جاؤ، اور وہاں جا کر ایک بہتر زندگی جینا. اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تمہارا میٹ. پیو ماریا. شکریہ. بہت جلدی ہم لوگ لیونو ندی کے پاس پہنچنے والے ہیں، وہاں پلاٹ ہوں گے،
दूर दूर तक प्लॉट होंगे और हम लोगों के कमर तक घास होगी। लियानो, लियानो का नाम सुनकर ऐसा लगता है मानो पहले भी हम लोग गए हों। हाँ, क्यों नहीं, मैं वहां 4 साल से लगभग हर वक्त जाता हूं। ये जिंदगी बहुत खराब है, एक नए जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इस बीमारी में क्वारंटाइन होना पड़ता है। चलो चलो, थैंक यू। आगे बढ़ो। माँ, मारिया, वो मेरी पत्नी है। मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा, प्लीज। मार्टिन। हाँ मार्टिन, इधर आओ। क्या ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ, मेरे पति और बच्चे। क्या तुम चल सकती हो? हाँ चलो, आ जाओ। योर हाइनेस, यहाँ पर इतने गार्ड और ये लोग क्यों हैं? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इन सब की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। शेफेलिया, मेरी प्रिया, हम लोग बहुत खुश हैं। अंकल, ये देश कितना खूबसूरत है, सच में मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। तुम जब चाहो आ सकती हो, कोर्ट तुम्हें नहीं रोकेगी। मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भी इसी देश में हो। तुमने अच्छा किया तुम आ गई। अंकल, ये मेरे हस्बैंड अर्निम। मैं तुम्हारे शिप का जल्दी आने का इंतजार कर रहा था हॉर्निंगबर्ग। ट्रैक कैसा था? पहले चालू हो चुका था? सब कुछ रेडी है? वेगन, ड्रैगन्स। योर हाइनेस, मैं हवा बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ। ये एक खेल है, फिलहाल हम लोग बहुत थक गए हैं। हम लोग लियानो देश में 2 महीने और रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ ज्यादा आदमी ही नहीं थे। अंकल, कार को हैजा है। हाँ, बहुत कठिन वक्त है, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे, यही इंसानी स्वभाव है। मुझे अपनी नौकरानी के लिए डॉक्टर की जरूरत है। जाकर डॉक्टर कॉर्डस को इन्फॉर्म कर दो। जैसा आप कहें प्रिंस। आओ चलें। तुम कौन हो? शॉट? ये ड्रिल है। मार्टिन सिटिल्स, मैं एक कारपेंटर हूँ। मेरा घर किलैश में है, कारल सुरुए के नजदीक है। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं और मेरा बेटा मिलकर हम दोनों एक नया शहर बनाएंगे। हम लोगों पे भरोसा कीजिए होहेनबर्ग। और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो वहाँ है डॉक्टर के साथ।
मेरी पत्नी के पेपर सही नहीं? अगर उसे यहाँ रहना है तो लेकर आओ। क्या वो रह सकेगी? उम्मीद तो है। ठीक है, आप जा सकते हैं। आगे। एमिलिया हॉफमैन। हाँ, पीटर्स व्लाडू, जिलाहों की लड़की। और तुम्हारे हस्बैंड मैथिस हॉफमैन कहाँ हैं? वो जिंदा नहीं है। अपने हस्बैंड के बिना तुम वहां नहीं जा सकती हो। आगे आओ। जैकब ऑल्सक्लेगर, कार्टराइट। एक कार्टराइट? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। रुको, मुझे जाना है, मुझे यात्रा पर निकलना है। ये मेरी जमीन है। ये सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती कि कौन उस ट्रैक पर जाएगा और कौन नहीं, और जो शादीशुदा नहीं है वो वहाँ नहीं जा सकती। कोई भी औरत अपने हस्बैंड के बिना वहाँ नहीं जा सकती। मैट, हम दोनों कसम खाते हैं कि हम लियानो जाएंगे। आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन सर आप बताइए मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? हमें भी जाना है। वैसे मेरी वाइफ को भी एक नौकरानी की सख्त जरूरत है। लीजिए। हाँ, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। इधर। हटो। आपके पेपर्स एकदम सही हैं। डॉक्टर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गॉडेस, यहाँ मेरी नौकरानी एडमिट है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती हूँ और निभाना भी जानती हूँ। रहना रहना, हे भगवान। सिसिलिया। रहना, तुम ठीक तो हो ना? सिसिलिया, ये तुम क्या कर रही हो? कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। एंटी अमोनियम टार्टारिकम। क्या तुम्हें सैमुअल हैनेमैन का पढ़ने का तरीका पता है? तुम जैसा चाहो वैसा करो। यस, इससे बॉडी अपने आप रक्षा करती है। इसके लिए चमेली का तेल ठीक नहीं? नहीं, ये उसे पोषण देता है। अजवाइन का फूल? हाँ, और उसके साथ शहद भी। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। मारिया कैसी है? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे नहीं मिली है। वो लोग हमारे साथ रहकर क्यों मरेंगे? उनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं है, वो लोग हम पे राज करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मिला? उसने मेरा टिकट जब्त कर लिया और उसने कहा या तो मैं मर सकती हूँ या फिर काउंटेस की नौकरानी बन सकती हूँ। एक नौकरानी। मैं अंदर अपनी पत्नी को देख कर आता हूँ, तो मुझे माफ करना। एक मिनट। नहीं, नहीं, मुझे डॉक्टर से मिलना है। नहीं, हमें जाने दीजिए। मेरी दीदी अंदर, मुझे मिलने दीजिए। नहीं मिल सकते। आप हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। मेरी दीदी अंदर है। मेरी बात को मानिए। आप हमें डॉक्टर से बात जाने दीजिए। समझिए, जाने दीजिए, हमें जाना है अंदर। हमें इलाज कराना है। हटिए, हमें जाने दीजिए। आप बिल्कुल नहीं जा सकते। प्लीज। रेना, काउंटेस हॉर्नबर्ग। मेरा नाम मिला एमिलिया फॉरमैन। आपके पति ने कहा था कि आपको एक नई नौकरानी चाहिए, मैं अभी शुरू कर सकती हूँ। ओह, मुझे माफ कर दीजिए। चली जाओ अभी के अभी। लेकिन आपके पति। कहाँ ना जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस टेंट से दूर रहना, समझी? रहना, अभी इसके मरने की उम्र नहीं है। वो मेरे साथ तब से है जब वो 14 साल की थी। मैं ये मानता हूं कि सभी इंसान उच्च क्रम का हिस्सा है, और हम सबको तुम जैसे दयालु इंसान की जरूरत है।
शुक्रिया शुक्रिया सज्जनों। हमेशा अपनी आंखें बंद रखा करो बच्चे। गवर्नर मेरे लिए सम्मान की बात है, कर्नल काउंट वॉन होहेनबर्ग। मैं गवर्नर नहीं, बस एक राजदूत हूँ, एम्ब्रोस विल्कस। समझ गया सर। चलो बहुत अच्छा है, सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी करके हम फिर एक्शन ले सकते हैं। आमिम, उन सभी जमीन के मालिकों से जाकर बात करो और उन्हें समझाओ। मिस्टर विल्किस, उम्मीद है आप अपना स्टैंप लेकर आए होंगे। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मेरे पास हुडसन की बुरी खबर है। दरअसल बात ऐसी है कि आपकी जमीन के अधिकारियों को फोर्ट कूपर में जाना होगा। कूपर? वो तो बहुत अंदर है, बिल्कुल नदी के पास, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। मुझे माफ करना प्रिंस, लेकिन ये सरकार की नई नियुक्ति और नए नियम है। 3 हफ्तों में फोर्ट कूपर चले जाओ। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी जमीन पर चढ़ाई करने से हमें रोकने के लिए किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? क्या हम जर्मन्स की तादाद इतनी ज्यादा है मिस्टर विल्किस? मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इससे प्रुशिया का राजदरबार नाराज हो जाएगा मिस्टर विल्किस, हमें उसका असर झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फोर्ट कूपर चले जाओ, नहीं तो उसे भी। थैंक यू मिस्टर विल्क्स, हमें ये पता चल गया कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ 300 मील की ही दूरी है, तो तय करना मुश्किल नहीं होगा। 400 आदमी औरतों और बच्चों और घोड़े गाड़ियों के साथ कोई भी वहां तक 5 हफ्तों से कम समय में नहीं पहुंच सकता है। ये हमारा खबरी है जैक स्टेलन। हो ही नहीं सकता जेंटलमैन। यहां देखिए, ओनी गावा की पहाड़ियां हैं, आपको सारी गाड़ियों को अलग अलग करके टुकड़ों में ले जाना होगा। तो फिर हम इस रास्ते से जाएंगे? अगर कुमाचो के रास्तों से जाएंगे तो गोरे चिट्टों की मांग बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं जेंटलमैन, इसे देख के क्या समझ में आया हा? एक पावनीस था, कुमाचो वाले इतने नाजुक नहीं है, हम इसे कुमाचो के रुकावट कह सकते हैं, वहां से कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। मिस्टर विल्किस, मुझे लगता है कि आपकी सरकार हमें रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। कुमांचो के सभी मुखियाओं को ऑर्डर दे दिया गया है कि फोर्ट कूपर में दखल न दें। उन्होंने ऑर्डर दिया और आपने इसे कैसे मान लिया? क्या उन्होंने मोहर लगा ऑर्डर दिया है? हम सबसे अच्छी गाड़ियां लेके जाएंगे, सबसे तेज घोड़े, सबसे कुशल कारीगर और जमीन के सभी अधिकार, और हम सीधा रास्ता चुनेंगे, और बाकी लोग धीरे धीरे अपने सुरक्षित रास्ते के जरिए पीछे आएंगे। चंद कोमाचो के लोग हमें नहीं रोकने वाले हैं। 3 हफ्तों में हम अपनी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे प्रुसिया के राजा महामहिम फ्रेडरिक विल्हेम के लिए। क्या सच में अब अंग्रेज और फ्रेंच के अलावा अब कोई प्रुसिया वाला नहीं होगा? ये टैक्सेस है मेरे दोस्त होहेनबर्ग। प्रुसिया में मुझे कहां जाना है पता है, चलता हूं। तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे शिकार करना पसंद नहीं है, मैं ताश खेलना चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, मैं चलती हूँ, मिलते हैं। शुक्रिया, कल मिलते हैं। अगले राउंड की तैयारी करो। काउंटेंस होहेनबर्ग, मैं उनसे माफी मांगूंगी, मुझे नहीं पता था, अनजाने में डिस्टर्ब कर दिया। सुनो लड़की, हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं, मेरा रास्ता छोड़ो। डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे लियानो जाना है, मैंने अपने हस्बैंड के मरते वक्त उनसे वादा किया था, मेरे पास कुछ नहीं है। प्लीज मैं आपसे दिल से कुछ मांगती हूँ, मैं बिना हस्बैंड के ट्रैक पर नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी, मैं केवल आपकी नौकरानी बनकर ही जिंदा रह सकती हूँ। आपको हमें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। हाँ,
मैं इंतजार कर सकती हूँ। अब तक तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हुआ? अब तक तो हो जाना चाहिए था। ये भूमि बेटों के लिए है। सही कहा यौर है ना, सही कहा। ये जमीन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। अफसोस की बात यह है कि ये जमीन उपजाऊ नहीं है योर हाइनेस। तो क्या कर सकते हैं? ये आपके पत्ते कैसे हैं? तुम कहो तो आप खेल बंद कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा खेलना चाहूंगा। फिर तुम हम लोगों को खिलाकर आखिर चाहते क्या हो? हम लोगों के पास तो कुछ नहीं बचा। अगली बाजी हम अपने लियानो को बचाने के लिए खेलेंगे। लेके आओ। खुद नजर डाल लो। हम लोगों के पास जमीन नहीं है। ये बहुत भयानक है, विशेष करके मैंने जनरल सिक्योरिटी के लिए उन लोगों को जमीन लौटाने के लिए मना ही लिया था, फिर भी तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, समझे? मैं उसे वापस लाऊंगा। हो तुम वापस पाने के लिए? इधर आओ। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा चुप। छोड़ो, जाओ यहां से, हटो।
दो, छोड़ दो उन्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वार किया? आओ मेरे साथ चलो। मेरे हस्बैंड घायल हो चुके हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने उन्हें मार दिया। चल अंदर आओ। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था, वो बहुत ज्यादा पिए हुए थे। मैं बस हेल्प करना चाहती थी। चारों तरफ ब्लड बिखरा है, अब हम क्या करेंगे? तुमने काउंट पर अटैक किया? मिला यहां से हटाई होगी, और जब तुम्हें वहां मिला होगा तुमने उसे लटका दिया होगा। मैं तुम्हारे हस्बैंड को देख के आता हूं। हिलना मत, मैं इस घाव को खत्म कर दूंगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। मुझे माफ करना काउंटेंस हॉर्नबर्ग, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए था। तुम्हें घोड़े के पास जाना चाहिए, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मरा नहीं है। क्या वो बच पाएगा? हाँ शायद से। ये पीटर गोर है, ये भरोसे का आदमी है। ये तुम्हें अपने घर में पना देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक दिन जंगल का सफर तय करना होगा। तुम लोग वहाँ सुरक्षित रहोगे, मेरे खत का इंतजार करना। मैं आपको नहीं जानती लेकिन भरोसा करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा बनाए रखना। चलो लेडीज, चलकर घोड़े पर सवार हो जाओ। घोड़े पर? मुझे घुड़सवारी नहीं आती। फिक्र मत करो, सीख जाओ। मिस्टर गोर, ich erwarte, dass ihr euch als wahrer Gentleman erweist. Auf was warten Sie? Aufsitzen. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब कुछ मत बोलिए। कमांडर, हमने जहां अटैक किया था वहां हमें एक मरा हुआ घोड़ा मिला है। इतना सब हो जाने के बाद वो फिर लड़ने आ रहे हैं, ऐसा विल्किस ने कहा था? नहीं, वो लड़ाकू घोड़े नहीं है, वो स्पोर्ट्स वाले घोड़े हैं। ये लोग युद्ध के लिए नहीं आ रहे तो फिर क्यों आ रहे हैं? जख्म तो काफी गहरा है होम्ब्रे, लेकिन वो लोग कमांडर नहीं थे, वो लोग इन चीजों से डरते हैं। तो फिर वो लोग कौन थे? वो जुलाही की लड़की। जुलाही की लड़की वो नहीं थी? वो सेटलरों के साथ एक जुलाही की लड़की है, मुझे लगता है वो पीटर्स वलाडू से है।
उसका पता लगाओ। और मेरी भतीजी? उसका भी पता लगाओ। हम कहां तक पहुंचे हैं? हमें कितना और चलना होगा? चलो लेडीज, चलो घोड़े से उतरो, घोड़े से उतरो। क्या क्या हुआ? जल्दी करो। सबको अपने साथ ले चलो। लड़ाकू कहां पर हैं? उन्हें मैजेस्टी के जनरल सेक्रेटरी होएनबर्ग ने स्पेशल ऑर्डर दिया है कि कल वे लोग लियानो कंट्री के लिए प्रस्थान कर जाएं। उनके नाम ये हैं: स्टीज, क्रैम्प, ऑल्स चलगर, रोसा पूटर, फेनाडल, वैरून। केवल ये छह ही लोग जाएंगे। शांत हो जाओ। बाकी जितने भी लोग हैं सर्दी तक यहीं रहेंगे। कृपया आप लोग शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोगों को हर हाल में कमांडो का एरिया क्रॉस करना होगा। उस एरिया को क्रॉस करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। जो नौजवान है वही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बाकियों का कोई काम नहीं है। और मेरी जमीन? तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी, ऐसा तय हो चुका है। ऐसा नहीं होगा। शांत रहो, चलो। नहीं नहीं, ये गलत है, ये तुम लोग जाएंगे हमारे साथ। हम यहाँ पे नहीं रहने वाले, हमें यहाँ से जाना है। नहीं नहीं, हम नहीं हटेंगे। लोग सिर्फ 6 मील आगे हैं और वो सचमुच के कमांडो ही थे। ये मेरी पत्नी का ब्रोच है। इसका मतलब इस कमांडो में औरतें भी हैं? इसको देख के लगता है कि ये वही लोग हैं। तो क्या हम उन सबको मार देंगे? हमारे हथियार कहाँ हैं? सब तैयार हैं सर। हम लोग उन्हें उन औरतों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बून हबक तुम्हारी बीवी और तुम्हारे कैप्टन भी है। प्रिंस ये बात जानते हैं कि इतने बड़े इलाके में उन्हें खोज पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना स्लेटन?
इधर कोई कमांडो नहीं रह सकता है। हम लोगों को बलिदान करना होगा डॉक्टर कॉड्रिस। तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्या वजह है? वो मेरी बीवी की तरह दिखती है। तो फिर वो जो दूसरी है वो कौन है बताओ? क्या ये लोग हमें मार देंगे? वो अच्छे लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। हे मैं मीला, यही मेरा नाम है मीला, आप मुझे मीला बुला सकते हैं। मीला, मीला। और तुम बदमाश बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। सिसिलिया, सिसा। उसका नाम सेसा है? मिला, उस मजबूत भेड़िए को सफेद औरतें चाहिए थी। ये हमारी कैद में है, तुम चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएंगे। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? इनके साथियों ने मेरे भाई को मार दिया, हम चाहते हैं कि इन्हें जलाया जाए। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुम लोग नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे, मैं तुम लोगों को श्राप दूंगी, सब नर्क में जाओगे। शांत रहो सफेद औरत। तुमने हमें बंधक क्यों बना रखा है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए?
उन गोरों ने हमारे लोगों को मारा है, हमारी जमीनें छीनी हैं। वो समझते हैं पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे हथियारों के बारे में सब जानती हूँ। क्या कह रही है ये सफेद औरत कौन है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हथियारों के बारे में बाद में सब कुछ बता दूंगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कसम देती हूँ तुम मेरी जबान काट लेना पक्का। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा और तुम बोलने के लायक नहीं रहोगी। ये कह रही है कि ये सब कुछ जानती है हमारे हथियारों के बारे में। अब बताओ तुम उस लोहे के गन के बारे में क्या जानती हो? हाविट्ज़र, वो एक बार में 20 लोगों को मार सकता है। मुझे यकीन है हम इसके आगे नहीं बोल पाएंगे। इसको चला के दिखाओ। मेरी बात सुनो, आज रात तुम मरने वाली नहीं हो। और कल? और कल? उन भेड़ियों को कैद करने के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उन्हें मारने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और बफेलो हम्प उन गोरी औरतों को उन भेड़ियों के लिए नहीं छोड़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि हम बात करने के लिए फोर्टकू पर जाएं, पर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बफेलो हम्प, देखो बुद्धिमानी से बात करो, समझे? हम लोग कायर नहीं है, हम लोग बहादुर कमांडोज हैं। उन्होंने कहा था कि वो लोग फोर्ट कूपर पे जा रहे हैं, हम भी उनके योद्धाओं की तरह उनसे लड़ेंगे और हम लोग ग्रेट वाटर होते हुए उनका पीछा करेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। अब हम इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम इन्हें मार कर रहेंगे। रुको। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास गन और तोपे हैं। लाओ, इधर लाओ। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे दो, मुझे दे दो। छोड़ो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। तुम लोग इतने बड़े ग्रुप में कहां जा रहे हो, और वो भी हथियारों के साथ? मैं कुछ पूछ रहा हूं, चुप क्यों बैठी हो तुम? हम लोग फोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, वहां से लियोनी काउंटी जाएंगे, वहीं रहेंगे हम लोग। वहीं पर रहोगे तुम लोग? हम लोग टेंसान गवर्नमेंट को वहां लेकर आएंगे। टैक्सेंस जमीन बेच रहा है, वो जमीन तुम्हें नहीं देंगे।
वहां जाने वाले कितने लोग हैं? बहुत लोग। और हथियार का क्या? हथियार उनसे रक्षा करने के लिए रखे हैं। हमें नहीं लगता कि ये जमीन तुम लोगों की थी। हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग एक किसान और बुनकर हैं। हमें शांति चाहिए, बस इसीलिए। क्या तुम वो हो जो अपने लोगों के लिए बोल रही हो? हाँ मीला, क्या मुझे ये पेपर मिल सकता है? इस पेपर में ऐसी क्या खास बात है? वो मेरे हस्बैंड के आखिरी शब्द थे। वो मुझसे सब कुछ नहीं कह पाए, लेकिन मरने से पहले एक लेटर लिखा था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। मेरा नाम सिसिलिया है। टेक्सास हमारी जमीन सफेद औरतों को बेच रहे हैं। उस औरत ने मुझसे कहा कि वे शांति चाहते हैं, हमारे आदमी उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं भी चाहता हूं उन लोगों के साथ में शांति समझौता हो, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे बहुत लोग मारे जाएंगे और हमें हमारी जमीन वापस भी नहीं मिलेगी, और इसीलिए हमें फोर्ट कूबर जाना होगा शांति के लिए। बफेलो हम को उसी दिन जाना चाहिए था जिस दिन बफेलो हम का जन्म हुआ था। बफेलो हम बुद्धिमान है, थमा हकेरा बूढ़ा है। बफेलो हम हमारा नेतृत्व करेगा। उन्हें समाचार भिजवा दो कि आप यहाँ पर चले आइए, हम आपसे शांति की बात करेंगे। वंडरफुल, बहुत अच्छे। ये बेहतरीन पोज। तुम्हें नहीं लगता कि ये शानदार पक्षी है? देखो जरा, हेराल्डिक तो नहीं है लेकिन मोटी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि शिकार करने के लिए ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। शाम को ठंडे ठंडे पानी से नहाना और सुबह उठकर शिकार करना। कोमाचेज यहीं छुपे होंगे, घात लगाना उनकी खासियत है। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, कमांड अभी तक मेरे ही हाथ में है। हम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हैं? हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे? चिंता मत करो, हम लोग ढूंढ लेंगे। क्या होगा जब ये कमांडर्स हमें ढूंढ लेंगे? हमारे पास तो राइफल्स भी नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अपनी सुरक्षा के लिए रखना जरूरी है।
चलो चलते हैं। चलो सब। ये लो खाना, खा लो। ये क्या है? कच्चा मांस। मैं इसे नहीं खाऊंगी। नहीं खाओगी तो ये मार देंगे। काफी दिन हो गए हैं, कमांडोज एरिया से बहुत दूर आ गए हैं। हम लोगों को केवल ट्रैक ही ढूंढ सकता है, वो भी जब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तब। और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में? काश मैं मर जाती। क्या तुम यही चाहती हो? मैंने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। बहुत समय पहले मैं उसे बहुत प्यार करती थी और खुश थी उसके साथ, लेकिन खुशी नसीब में नहीं थी। मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरे बच्चे की मौत हो गई जन्म होने से पहले ही। बहुत समय पहले जब अन्य ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मेरे पिता की इज्जत दांव पर थी, और मैंने बच्चे को उनके सम्मान के लिए मार दिया। इसीलिए अर्निम मुझसे नफरत करता है। तुमने उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया? मुझे लगता था मैं उसे छोड़ूंगी तो वो मुझे मार देगा। चलो चलो चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? दूर हटो, क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम्हारे पति तो मर चुके हैं ना? मुझसे दूर हटो, क्या कर रहे हो? तो हटो यहाँ से। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें शाप दूंगी। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें शाप दूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, देख लेना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, तुम देख लेना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। लेफ्टिनेंट, यहाँ से पिस्तौल गायब हो चुकी है। आज रात में फिर से गिनती करो, अच्छे से गिनती करना, पिस्तौल वहीं होगी। जाओ। इधर देखो।
तुम भी। उसने मुझे छुआ नहीं, उसने कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा, फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना? या मैं मौत के मुंह से बच कर आई हूँ और मैं किसी भी चीज से डरने वाली नहीं हूँ। तुम हर जगह सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके पहले दुश्मनों ने मुझे तेल से नहला दिया और मुझे जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। हम सुनो सिसिलिया, बिना पानी के पैर पार कर सकते हैं। चलो चलकर देखते हैं। कहाँ जाना है ये तुम क्या इसे छुपा दो। और ये भी हमारी भागने में मदद करेगा, हमें मौका मिलते ही यहाँ से निकलना होगा। वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। सुन लो कमांडोस, हम उनसे हार नहीं मानेंगे, हमें उनसे लड़ना ही होगा। तुम कहां जा रहे हो? हम डरने वाले नहीं हैं। हे गोरी औरत, तुम ये गलत कर रही हो, ये सही नहीं है। क्या मैं गलत कर रही हूँ? कल तुमने मुझे टेंट में पाप करने के लिए मजबूर कर दिया और शांति चाहती हो, मुझे रोका क्यों? बताओ मुझे। तुम शांति चाहते हो? इस तरह से तुम करते हो? हमारा यही तरीका है। बफेलो हम गोरों से शांति समझौता नहीं चाहता। तुमने जादू किया मुझ पे। नहीं रुको, मैंने तुम पे कोई जादू नहीं किया। मैं केवल प्रार्थना कर रही थी, मैं भगवान के पास गई थी, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। पफेलो हमको एक मजबूत भेड़िया चाहिए जो हमारे लिए फोर्ट कूपर जा सके। वो हम लोगों की शांति के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों से और गोरे लोगों से। तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उन लोगों को प्रभावित नहीं किया, लेकिन वो लोग इतने खतरनाक नहीं है जितना हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। सिसिलिया, ऐसा नहीं है, वो सब अच्छे लोग हैं। क्या क्या तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम बफेलो हम की सदस्य बन चुकी हो। तुमने ये क्या किया? क्या कर दिया तुमने ये सब? हमें गोरी औरतें चाहिए। चुप रहो, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि उसके साथ क्या हुआ। बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। बफेलो हम किसी भेड़ियों को शांति की बात करने के लिए बुला रहा है। शोर मत करना, मैं तुम्हें खोल रही हूँ, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। सावधान रहो। जाओ यहाँ से। Thank you.
जल्दी करो। मैं घोड़ा नहीं चला सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। नीला, तुम इसे डांस कहते हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डांस कैसे होता है। चलो देखो, ये देखो, ऐसे करते हैं। कमांडोस, वो गोरी औरत कहाँ गई? ऐसे। फेलो हम यहां आओ, इसे तुम संभालो। तुमने धोखा दिया हमें। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? तुम मार दो, मुझे मार दो, मार दो। चुप रहो, हम तुम्हें फोर्ट कूपर ले जाना चाहते हैं बातचीत करने के लिए। वहां पर तुम्हें चलना होगा। हाँ, हम लोग आजाद है फोर्ट कूपर में। हम शांति चाहते हैं, इसीलिए हम फोर्ट कूपर जा रहे हैं। लेकिन वो गोरी औरत घोड़ा लेके भाग गई। अब हमें घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। कायर है, इसने हमें धोखा दिया है। कायर कहीं का, छोड़ो छोड़ो, चलो, जाने दो उसे, जाने दो उसे। बस हो गया, जल्दी करो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बस थोड़ा सा समय और लगेगा। हमें पिस्टल मिल गया है। किसके पास था? सिटीज। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो उसे। हाँ करो गिरफ्तारी से। ये सब क्या हो रहा है? चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मेरी बात सुनो। वो मेरा नहीं है। बिल्कुल सही, ये मेरा है और तुमने चुराया था, हमने तुमसे छीन लिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे हस्बैंड ने हमारे आदमी से चुराया था। ये सच नहीं है, ये मैंने नहीं चुराया है। तुमने ऐसे आदमी से छीन लिया जो तुम्हारे फैमिली की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर तुल गया था। तुम्हें परसों फांसी दी जाएगी। मैं तुरंत मार्शल लॉ लगा के तुम्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दूंगा। ले चलो उसे। तुम क्या करोगे उनके साथ? तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दी जाएगी। मेरे पापा सच कह रहे हैं, वो वहां नहीं थे, मैं था। कानून सबके लिए बराबर है। तुम मेरे बेटे को टच मत करना, उसने झूठ कहा है, मैंने चुराया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को शूट कर देते। जब मैं रॉयल फैमिली में पुराना हेड फिजिशियन हुआ करता था, तो मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारा आदेश पहले दिन की शाम को माना जाता था। कॉरेस, इस सबसे दूर रहो तुम। नहीं, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा तो उनकी तरफ से होनी चाहिए ना? और यहाँ पर किसी भी तरह की धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उससे भी ज्यादा, मैं सभी बंधकों को सुरक्षित लियानो काउंटी लेकर आया हूँ, यहाँ तक कि तुम जैसे चोरों को भी। और इस वक्त तुम मुझसे कानून और धर्म की बात कर रहे हो? एहसान मानो। हाँ। मैंने सुना है कि टेक्सास में कोड़े मारना बहुत आम बात है। एग्जाम्पल के लिए इसे ले जाओ और 10 कोड़े मारो। नहीं, चलो, नहीं, चलो, उन्हें छोड़ दो। नहीं कर सकते। फाइनबर्ग, अगर तुम दिन रात जुआ खेलोगे तो इसी तरह अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठोगे। खुद तो बर्बाद होगे ही, मेरा भी नाम बर्बाद करोगे। खुद को संभालो, नहीं तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा।
बफेलो हमने कहा कि दो घोड़े चोरी हुए हैं और एक गोरी औरत जिंदा है और हमारे पास तीन औरतें बंधक है। तीन औरतें? बफेलो हम्प ने स्ट्रॉन्ग वुल्फ्स का प्रपोजल सुन लिया, वो उस औरत को उसके हवाले कर देगा, यही फैसला हुआ है। नहीं, बफेलो हम्प ने कहा कि उन तीन सफेद औरतों को और घोड़ों को फोर्ट कूपर में छोड़ देंगे, फिर तुम अपने घोड़े ले जा सकते हो। ठीक है। बफेलो हमको मारने के बाद ही हम फोर्ट कूपर लेकर जा सकते हैं। मारने के सुना तुमने, बफेलो हमको मारने के बाद हम इसे फोर्ट कूपर ले जा सकते हैं। हमें तो लगा था कि तुम लोग मर चुके हो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है। बिल्कुल,
मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। नेट ब्लैक वहाँ क्या खड़े हो? हाँ। जाओ जल्दी हाँ। से लेकर आओ उसे, जल्दी जाओ। हाँ, जा रहा हूं। उन लोगों ने जो भी कहा, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गई हूँ। मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत है। मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। जल्दी करो, जल्दी वहां पीछे की तरफ, जल्दी जाओ। भगवान के लिए प्रिंस मर चुके हैं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। तूहा ने फैसला कर लिया है, या तो वे लोग साथ देंगे या साथ मरेंगे। हम सभी को ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें सुरक्षित बचा लिया। हम पर उसकी कृपा रही। हम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमें इसका भी ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी प्रिय पत्नी हमें वापस मिल गई है। हम लोगों ने हमारे प्रिय प्रिंस को खो दिया है, जो हीरो थे और जो बहुत ही साहसी और बहादुर थे, और उन्होंने होने वाले हर हमले का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। तो आज से मैं ये कमांड अपने हाथ में लेता हूँ और कसम खाता हूँ कि मैं अपने किंग और फादरलैंड का कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं आप लोगों को किसी भी हाल में लानों तक पहुंचाऊंगा। परमपिता प्रिंस की आत्मा को शांति प्रदान करें। खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट है। गॉडेस, मैं तुम्हारी पत्नी को चेक करना चाहता हूँ। उसका बचना चमत्कार से कोई कम नहीं। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कब किसे मेरी जरूरत है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो जिस हाल में उसे छोड़ दिया जाए ताकि वो शांति से रह सके। हाँ, प्रिंस के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, लेकिन वो सब तो कमांडोस थे जो उनके घोड़े के पीछे लगे हुए थे। हम लोगों को हर हाल में उनसे बदला लेना होगा। हम बदला लेंगे। बिना हथियार के हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं किसी भी तरह से लियानो पहुंचना चाहता हूं।
लगता है तुम सचमुच डर गई। वैसे मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दिखा ना जुलाई की लड़की के साथ क्या हुआ। वो मर गई। हाँ, और उम्मीद करता हूं कि इसके बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हुई होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है सिसिलिया। मैं झूठे कब से कुछ नहीं पीता। जिसने भी प्रिंस का मर्डर किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मर्डर? कैसा मर्डर? तुम कहोगी तो क्या लोग मान लेंगे? वो अभी तक सम्मान के हकदार हैं। सच में? जैसे कि डॉक्टर? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ही कानून हूं और इस बात को मानने में ही भलाई है, और खासकर तुम्हारे लिए। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंदाजा तो हो गया होगा कि यहां चीजें कितनी भयानक हैं। तुम जितना दुखी हो उतना ही हम भी दुखी हैं। तुम सपना देख रहे थे? वो सब मारे गए। बफेलो हम भी सपना कई महीनों से देख रहा है। सपने तो सपने होते हैं, सपने के कोई मायने नहीं होते। सपने उगते सूरज की तरह होते हैं, उस सम भविष्य को देखते हैं। मैं भी सपनों पे विश्वास करती थी, लेकिन हमें सपने में भविष्य दिखाई नहीं दे सकता। एलर, इधर आओ। लगा मुझे तो। जी मैम। कल रात उसने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। क्या तुम ठीक हो? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम मेरे पास हो। सिसिलिया, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, लेकिन मायला को सहायता की जरूरत है। कल तक हम फोर्ट कोपर पे पहुँच जाएंगे और वहाँ हमें बहुत सारे घुड़सवार मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी चिंता है। सिसिलिया, मेरी तरफ देखो, तुम वहाँ से वापस आ जाना।
वहां कमांडोज नहीं थे तो प्रिंस को किसने मारा? मुझे अब तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना समझे? ठीक है। बिल्कुल ऐसे हल नहीं निकलेगा। तुम्हारे पति जरूर जीतेंगे। तुम मत चलो, छोड़ दो इसे। मुल्लर, इसे रोकने के लिए कुछ करो। आइंदा से मेरी पत्नी से दूर ही रहना डॉक्टर। ठीक तो हो? आराम से। विकलिंग्स बुरी तरह मारा है। कल हम फोर्ट कूपर के लिए प्रस्थान करेंगे, शांति स्थापित करने के लिए। कल से एक नई सुबह की शुरुआत होगी। अगर हम फोर्ट कूपर में शांति की बात करें तो हम क्या एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे? मुझे नहीं पता, ये सब उस पवित्र आत्मा के हाथों में है। शुक्रिया। क्या वो कोई योद्धा था? हाँ, वो था। फिर तो उसे युद्ध के मैदान में शांति मिलती होगी, वो जरूर बहुत बहादुर होगा। चलो इन हवाओं को महसूस करते हैं साथ में। जेंटलमैन, क्या तुम इस प्रिशिया की अपनी जमीन को क्लेम करने के लिए तैयार हो? हम वहां पहुंच गए, हम लोगों ने कर दिखाया। जल्दी करना। मैं उन लोगों को अपने हस्बैंड के बारे में बता दूंगी, उन्होंने ही मेरे पिता की जान ली है। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मुलर की भी नहीं, और मैं जानती हूँ वो हमारी सहायता करेगा भी नहीं। हमारा पक्ष लेने वाला कोई नहीं। न्याय का कांटा हमारी तरफ झुका हुआ है।
आज से जमीन तुम्हारी हुई पूरी तरह से। परेड सावधान, पीछे मुड़। परेड सावधान, परेड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड का मर्डर हुआ है? ठीक यही बात मैं तुमसे करना चाहती थी। मैं आर्मी में हूँ, तुम्हें सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। यहाँ नजदीक में एक सैन एंटोनियो कोर्ट है, तुम वहाँ जा सकती हो। कर्नल विक्टर, मैं मदद की भीख मांगती हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कमांडो उन लोगों की सुरक्षा करेंगे ना? मैं आपको वचन देता हूँ, मीला अभी तक जिंदा होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अभी मुझे जाना होगा। आपका शुक्रिया। Ana nutpipa tereyakarya kaka ana asana yaparya mehu totru se meri behan keh rahi hai ki tum apne ghode ko hawa mein uda sakti ho aaj se tumhara naam woman with her thunder rahega tum bahut saahasi ho mujhe nahi pata tum kya keh rahe ho तुम इस घोड़े को हवा की रफ्तार से चला सकती हो। तुम इस घोड़े को हवा की रफ्तार में चला सकती हो। तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगी। मैं उन लोगों के लिए प्रेसिडेंट से बात करूंगा, खासकर टेक्सस के लिए। वो जैसे ही बंधकों को छोड़ देंगे बात तुरंत शुरू हो जाएगी। नेमनी ट्राइब वालों ने इस घोड़े को शांति के प्रतीक के तौर पे दिया है, और एम्परिका के ट्राइबा ने इन बंधकों को छोड़ दिया है। ओह माय गॉड, इन्होंने ये क्या किया है? वो कितने लोग होंगे? नहीं मैंने गिना नहीं, लेकिन 15 से ज्यादा होंगे। इन्हें अंदर लेकर जाओ। सभी होस्टेस को अंदर ले जाओ। मैं उन लोगों का एग्रीमेंट वापस करना चाहता हूं। मैं कोई होस्टेस नहीं हूं, मेरा मतलब मैं कोई बंधक नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। तुम नहीं समझ सकते, हम यहाँ शांति की बात करने आए थे, हमें छोड़ दो। जब सारे बंधक मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझे? गेट बंद करो। सर, आप उन लोगों के साथ अनादर से बात नहीं कर सकते, और आप उन्हें ऐसे ही इंतजार नहीं करा सकते।
कर रहे हैं? इन सैनिकों पर अटैक क्यों किया जा रहा है? किसी को भी छोड़ना मत। वहां देखो बफेलो हम। जल्दी करो दरवाजा खोलो। बफेलो आ जाओ। पकड़ो उन्हें, देखो वो भाग रहे हैं। सैनिकों पर अटैक क्यों किया? गोरे लोगों ने सबसे पहले हम पर हमला किया, उन लोगों ने अपना वचन तोड़ दिया। क्या तुमने उस लड़की को देखा, उन बाकियों को देखा? कोई मानवता का नाम कोई चीज है कि नहीं तुम में? ये एम्परी का तुम्हारा भाई हो सकता है, लेकिन हम सबके लिए वो एक दुश्मन है। ये लोग क्या कह रहे हैं? युद्ध, ये सब लोग युद्ध से थक चुके हैं। मैं भी युद्ध से थक चुकी हूँ और हमारे सभी लोग शांति चाहते हैं। तुम घूम रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। इसने कहा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम लोग टेक्सान नहीं हैं, हम लोग दूसरे हैं, हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। ये असंभव है। और तुम? वफेलो हम हमेशा नेमनी का सरदार रहेगा। वफेलो हम अपने रास्ते में आने वाले सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। बफेलो हम अपने भाई का बदला लेने के लिए उन सबको मार डालेगा। हम अपने जमीन वापस लेकर ही रहेंगे। वो एक शानदार घोड़ा है, वो तुम्हारे लिए है। वो मैं हर थंडर उसे लेकर वापस चली जाओ और यहां कभी मत आना। चली जाओ यहां से। सभी समुदाय के लोगों को इकट्ठा करो, बफेलो युद्ध के लिए जा रहे हैं। चलो सब। Thank you.
क्या बात है? मैंने कुछ देखा। कमांडो है? कमांडो होशियार। नहीं, वो कमांडो नहीं है, होंगे तो हम खत्म कर देंगे। ये मैं हूँ, रुक जाओ, मुझे शूट मत करना। वो मुझे आंख दिखा रही थी, और अब देखो, मुलर, उसे अरेस्ट कर लो। हमें फोर्ट कूपर जाना है, वहाँ कमांडो तैनात है। पता चला कि फोर्ट कूपर में काफी हत्याएं हुई हैं। कमांडो ने सभी ट्राइबों को इकट्ठा किया है और उन्होंने उन्हें कसम दी है कि वो उन्हें मार देंगे। क्या उनकी तरफ से उनके रॉयल आर्मी के हेड फिजिशियन ने वॉर की घोषणा की है? मार्शल लॉ के तहत मैं तुम्हें कानून की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। जरा किताब लाना मुलर और इन्हें बताना। ये क्या कर रहे हैं? इस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा हुक्म है। बहुत हुआ, हम लोग तुम्हारी तानाशाही और क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर सकते। होहेनबर्ग, तुम हम सब लोगों को नहीं मार सकते। मैं नहीं मार सकता? तुम्हारा घर किसने बनाया? तुम्हारी जमीन कब्जा किसने की? मुझसे बकवास मत करो। तुम्हें तो सच में शांति पसंद नहीं है, और मैं इसकी वजह अच्छे से जानती हूँ। तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? अपना मुंह बंद कर जुलाही की लड़की। तुम्हें पता है ना, अभी अभी वही कमांडो ने युद्ध के मैदान में तुम्हारी जान बचाई है। भूल गए इस बात को? मुझसे बकवास मत करो। हथियार नीचे रख दो। एमिलिया हॉब्समैन निर्दोष है। वो लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं, उसकी बजाय मेरी बात सुनो, क्योंकि प्रिंस का मर्डरर कोई और है। पिफर मुलर, अपने कमांडो को गिरफ्तार करो। Oh!
शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वो लोग फिर आएंगे। लेफ्टिनेंट, हमारे लोगों के पास हथियार नहीं है। हेलर, जिन जिन लोगों को हथियार गोला बारूद चाहिए उन सबको दे दो, हम उनका मुकाबला करेंगे। लोगों से अपना हथियार नीचे करने के लिए कहो। मुलर, लोगों से हथियार ले लो। अब मेरी बात सुनो, वो रॉयल फैमिली के सबसे बड़े पदाधिकारियों में से एक हैं। तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे फॉलो करो। पफल्स, तुम हमें आज्ञा देने के लायक नहीं हो, सुन रहे हो ना तुम? हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है, अब तुम्हें मरना होगा और मैं अपनी उपाधि लौटा दूंगी। ये सब मुझे पसंद नहीं। वो लोग इतना समय क्यों ले रहे हैं? वो सुबह हमला करेंगे, जब पोहा धरती से गुजरेगा तब यहां पर हरियाली छा जाएगी। नहीं, वो लोग इसे मौत का वक्त पुकारते हैं। नहीं, कमांडो को भी अपनी मौत से डर लगता है। जो भी युद्ध के मैदान में गया है वो सब के सब मारे गए हैं। अगर हम कल रात को इस काम को करते तो आसानी से फोर्ट कूपर को पा लेते। अगर हम लोग सरवाइव करेंगे तो और लोग भी सरवाइव करते रहेंगे। हम लोग उनसे लड़के जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें युद्ध के अलावा कोई और रास्ता अपनाना होगा। हमें उन कमांडो को शांत करना होगा, इससे पहले और लोगों की जाने जाए। असंभव। मुझे लगता है ये संभव है। जेंटलमैन, प्लीज मेरी तरफ देखो। भागो, चलो पीछे हटो, बंदी बनाओ इन्हें। रुको, क्या था ना, ये घात लगा के बैठे होंगे। बंदी बना लो, ले चलो इन्हें। तुमने सही कहा था, हमें इसे उपयोग में लेना चाहिए। और गोलियां बनाने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, पैरा मैग्नेट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग उन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं? क्या टैक्सियंस के हवाले कर देना चाहिए या फिर ये हमारी सुरक्षा के लिए काम आएंगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जिस धरती पर हम लोग सेटल होना चाहते हैं वो धरती कमांडो की है और वो लोग टैक्सन के खिलाफ कभी नहीं करेंगे। टैक्सन ने हम लोगों को धोखा दिया है, हमें उन कमांडोज के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए। तुम इन बर्बर लोगों से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि ये समझौते का पालन करेंगे? इन्हें समझौते का मतलब भी पता है? हाँ, वो लोग मानेंगे कमांडर। हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। सब कोई बराबर है, सबको शांति मिल जाएगी, सबको अधिकार मिल जाएंगे, ये सही रहेगा और हमें यही करना चाहिए। मैं माइला से सहमत हूँ, यही एक समय है जब हमें डिसाइड करना होगा कि उन्हें समानता और आजादी का हक मिले। केवल उन्हें ही नहीं, हर किसी को समानता और आजादी मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ हूँ। ठीक है, तो फिर वोट करते हैं, देखते हैं कि कमांडो से समझौता करने के पक्ष में कौन कौन आता है। मैं इसके विरोध हूँ मुलर, हम लोग इन्हें ढाल बनाकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग फोर्ट कूपर की सुरक्षा के लिए जगह छोड़ देंगे। क्या तुम सचमुच शांति के लिए बात करना चाहते हो? मैं तुम्हें वोट दूंगा। नेटल बैग तुम भी?
नई शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने अकाउंटेंट्स को फॉलो करूंगा। मेरा मतलब है कि मिस होहेनबर्ग, और मैं अपनी उपाधि हटा लूंगा। मुलो, तुम और तुम्हारे आदमियों का क्या ख्याल? मैं एक सैनिक हूं। हर किसी की तरह उनके पास भी एक वोट है। तो फिर ठीक है, मैं भी एक वोट दूंगा। तुम जर्मन लोग इतने अजीब क्यों होते हो? बेवकूफ कहेंगे। इतने अजीब कि तुम में से कोई विस्की भी नहीं पीता है और तनख्वाह भी ज्यादा नहीं देते। हाँ, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ले चलो इन्हें। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। अगर तुम जिंदा बची तो मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। फिर हम लोगों के लिए प्रार्थना करो, कभी कभी वो काम कर जाती है। सही सलामत वापस आऊंगा। हम लोग बहुत जल्दी साथ रहेंगे, कोई बड़ा शिविर नहीं है। रुक जाओ। वुमन विद हार्ट ऑफ थंडर सच्चाई बताएगी। इतने सारे गोरों में सिर्फ वही है जो सच बोल सकती है। इलाका अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ मजा आएगा। रुक जाओ,
कमांडर के सरदारों को मेरा नमस्कार। हम लोग यहाँ बहादुर कमांडो से शांति से बातचीत करने आए हैं। ये फोर्ट कूपर के बारे में शांति का प्रस्ताव लाए हैं। आपके आदमियों ने जिस तरह से कायरता का परिचय दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये हम सब की निंदा कर रहे हैं जो हमारे लोग युद्ध में मारे गए। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। ये लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये धरती तुम्हारी है। ये कह रहे हैं कि ये धरती हमारी है। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, शांत हो जाओ। जिस तरह से आप लोगों के साथ धोखा हुआ था, हम लोगों के साथ भी उसी तरह से धोखा हुआ था। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है, इनके साथ भी धोखा हुआ है। हमारे समूहों के सरदार ने कहा कि तुम सब गोरे लोग हम पर राज करना चाहते हो। तुम लोग यहाँ आके हमारी जमीन छीनते हो और हमसे बुरा बर्ताव करते हो, हमारे लोगों को मारते हो। इससे हमारे लोगों के समुदाय को बहुत नुकसान होता है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुको। जब हम लोग यहाँ सेटल हो जाएंगे, उसके बाद तुम दोस्त बनकर आ सकते हो। जब ये यहाँ रहने लगेंगे तो हम दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ शांति चाहिए, ना ही कोई मारपीट और ना ही फिर चोरी। इनके पास जो कुछ भी होगा वो आपस में बांट लेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। रुको, रुको, शांत रहो तुम लोग, शांत रहो, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ। बिना पेपर पर लिखकर हम भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, ये किसी समझौते की परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा भी होता है जो सबसे ज्यादा कीमती होता है। हम लोग समुदाय के बीच का रिश्ता, जिसे दो नेशन मिलकर एक हो जाएंगे, मैं इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ सच में। दोनों समुदाय में यह तभी संभव है जब वुमेन विद हार्ट ऑफ थंडर एक हो जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहा है, चाहता क्या है ये? वो चाहता है मैं उसकी बीवी बन जाऊं। क्या कहा? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, औरतें घोड़ों से ज्यादा कीमती होती है। मुझे ये स्वीकार है डॉक्टर कॉर्डेस, लेकिन नेमिनी के लोगों, तुमने देखा ना, ये लोग हमसे शांति का वादा कर रहे हैं। हम तुम लोगों को जाने देंगे, लेकिन तुम्हें पहले पेपर पर साइन करना होगा। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। आजाद नागरिकों, ये तुम्हारी लियानो नदी है, आज से ये तुम्हारी हुई। हाँ, लक्ष्य पे पहुंच गए। मेरी प्यारी मीला, तुम खुद को इस चीज की जिम्मेदार मत ठहराना। मेरी ये आखिरी इच्छा है। मैंने कर दिया मैथ्स। टेक्सास चली जाओ
और वहां जाकर एक बेहतर जिंदगी जीना। और मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम्हारा मैं। अलविदा। क्या तुम सच में उनके साथ जाना चाहती हो? और तुम्हारी जमीन का क्या? मेरे 30 हेक्टेयर, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं अब जा रही हूँ। हम लोग फिर कभी जरूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, तुम भी हमेशा खुश रहना। डॉक्टर कॉर्डिस। अपना ख्याल रखना मिला।